तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस फेस्ड स्पेशल के बारे में कि एडवांस फेस्ड स्पेशल होता क्या है। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूं तो क्या होता है, 30 इज रिप्लेस बाय 20, राइट, 30 इज रिप्लेस बाय 20। ओके सर, राइट। इसमें एक चीज और है कि ये हो गई हमारी, लेकिन इसमें अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 30 है, अगर 20 को कॉपी किया इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और मैंने यहाँ पे कर दिया एडिशन, तो अब जो है रिप्लेस नहीं करेगा, दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और जो रिजल्ट है 50 वो 50 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो रिजल्ट है क्लिक कर देगा। हाँ राइट क्लिक, राइट, हाँ राइट क्लिक, ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो, हाँ सुनो सुनो, तो इस तरह से यहां पे हम करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसकी बेनिफिट के लिए चलिए एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नेम हमने डाल दिया, पूजा वगैरह नाम डाल दिया, और यहाँ पे मैं जैन का वगैरह डाल देता हूं, और यहां पे मैंने अपना डाल दिया। अब मान लीजिए कि यहां पे मेरा डल गया है ऐसे। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे हर महीने का हर पर्सन का जो टारगेट है वो अलग अलग होता है, समझे, टारगेट हमारा अलग अलग होता है और वो टारगेट मुझे यहां दे दिया गया है। और मुझे बोलिए, ये मैंने ये मेरे को मतलब सच में अच्छे से जानना है कि हमेशा ये रैंड बिटवीन करके 10.90 क्यों करते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन कर रहा हूं। बात है, क्या होता है कि आपको रैंडम नंबर चाहिए ना, हमें हम लोग क्या होता है कभी कभी आपके जो ऑटोमेशंस है ऑटोमेशंस को चेक करने के लिए, ये बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा आपसे। देखिए, जब हमें कुछ रैंडम डेटा चाहिए होता है, रैंडमली डेटा चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं। रैंड बिटवीन रैंडम डेटा देने के लिए हम रैंड बिटवीन, अब इसके बीच में 10.90 मतलब 10 से 90 के बीच की वैल्यू। अब यहाँ पे आप 20.100 कर सकते हैं, यहाँ पे 1000.4000 कर सकते हैं। आप यहाँ पे डालिए, एक नंबर आपको दे देगा। अगर मैं इसको कॉपी करके एक एरिया में पेस्ट कर दूंगा तो मुझे बहुत सारे अलग अलग नंबर दिखेगा जिसका कोई पैटर्न नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे यूनिक नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 14 दो बार है, लेकिन इस तरह से जिसका कोई पैटर्न नहीं है, इसे रैंडम नंबर। जी हाँ, रैंडम नंबर। तो एक रैंडम डेटा तैयार करने के, क्योंकि जिससे आप कोई अगर कोई ऑटोमेशन आप कर रहे हैं, राइट, तो जरूरी थोड़ी है कि आपके पास हर तरह का डेटा होगा। क्या हर तरह का डेटा होगा कि जरूरी है? नहीं नहीं, सुजीत हम ना सिक्स सिग्मा के ट्रेनिंग में ये यूज करते हैं, रैंडम डेटा क्रिएट करके एक रेंज देके उसमें नंबर आएंगे और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, मीन मोड मीडियन। मैंने तो सीखा था सिटी फाइनेंशियल की, ज्वाइन किया था मैं 2004 में, बाप रे, तो उस समय सीखा था। उसमें इसकी जरूरत क्या पड़ा, देखिए उसकी जरूरत हमें पड़े इसलिए पड़ा क्योंकि हुआ क्या हुआ था कि हमें एक ऑडिट होने वाले थे, राइट। अब ऑडिट जो होने वाले थे उसमें प्रॉब्लम ये था कि उनको 3 साल का डेटा दिखाना चाहिए, दिखाना था, अब बट उनके पास 3 साल का डेटा नहीं था। ऑडिटर को हमें 3 साल का सेल्स डेटा दिखाना था, तो हमारे बॉस जो है बस 1 साल का डेटा रखे हुए थे, 2 साल का डेटा उनके पास नहीं था, बट ऑडिट में देखा कि सिग्नेचर लेना था, तभी तो ऑडिट की रेटिंग मिलती है उनको, वो एजेंसी थी, सिविल एजेंसी की एजेंसी थी, और एजेंसी के रेटिंग के हिसाब, ऑडिट रेटिंग के हिसाब से उनको ग्रेड मिलते थे और ग्रेड के हिसाब से उनका कमीशन मिलता था। तो मुझसे बोला गया कि आप कैसे भी करके मुझे सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, और ऐसा रिपोर्ट तैयार करना है जिसके लिए जिसे पता ना, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली डेटा ऐसे टाइप कर रहे थे। आप देखिए, आप टाइप करेंगे तो एक पैटर्न पे टाइप करेंगे,
समझ रहे समझिए, क्योंकि आपका हाथ उसी हिसाब से आपका माइंड वही नंबर सोचेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे तो दिक्कत होगी, और मुझे मतलब कि तीन साल दो साल का मतलब कि 365 और 365 मतलब कि साल को कुछ रिपोर्ट्स बनाने थे हमें, हर दिन का चाहिए था सर, तो 700 पेजेस मुझे प्रिंट करने थे और उसको मंथ वाइज उसको हमें अरेंज करना था 24 फाइल। तो इसे ऐसे हाथ से लिखना दिक्कत हो जाएगा ना, और कॉपी पेस्ट कर दे, और सीए जो होते चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो बड़े दिमागी होते हैं, वो तुरंत स्कैन कर देते हैं नंबर को, पता चल जाता है हमको। तो मैंने वहां पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, और रैंडमली जो हमने बोला कि आपकी सर सेल्स जो है किस रेंज में होती है, उन्होंने बताया कि जनरली सेल्स इस रेंज के बीच में रहती है हमारी। कितना उन्होंने बता दिया था कि 10,000 से 20,000 के रेंज में रहती है पर क्वांटिटी, पर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे रैंड में वो लगाया 10,000 से 20,000 लगाया, और एक साल का रिपोर्ट मैंने बना के बॉस को भेजा। बॉस ने अपने हिसाब से देखा, बोला यार परफेक्ट रिपोर्ट है, कोई नहीं कर सकता कि फेक है। कोई नहीं कह सकता कि फेक है क्या, नहीं नहीं सही बात है, और मैंने बना लिया। तो वो चीज मैंने सीखी थी, तब से मैं क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जब मैं वीवीए डेवलपर बना, तो वीवीए डेवलपर में मुझे जब कोई प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें हर एंगल से हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी, सो देन वी यूज दिस फॉर्मूला, और क्लासेज में आपके सामने यूज कर रहा हूँ। तो बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे पास जो है ये हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट, तो ये हमारी क्या है सेल्स है, ये हमारा टारगेट है। अब मुझे यहां पे जो है जो रिपोर्ट शो करनी है, बॉस हमारा कहता है कि हमें ये नहीं पता है कि पूजा ने जनवरी में कितनी क्वांटिटी सेल की, मुझे इससे कोई मैटर नहीं है, मुझे बताओ कि उसने कितना परसेंट अचीव किया, समझे। हाँ। किसने 48% अचीव किया, तो मुझे इस 48 को देखना है, मैं 48 के बिहाफ में अपना दिमाग लगाऊंगा, मुझे 22 समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर पर्सन की हर लोगों की हर महीने अलग अलग टारगेट्स होते हैं, इतना टारगेट कंपेयरिंग हम नहीं कर सकते क्या, समझ गया। तो हमने क्या किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया सिंपल सा डिवाइड। तो ये पैटर्न के हिसाब से चलेगा कि 22 को 42 डिवाइड करेगा, 69 को 51 डिवाइड करेगा, 62 को 47 डिवाइड करेगा, 14 को 50 डिवाइड करेगा। तो जैसे जिस पैटर्न में ए है उसी पैटर्न में यहां भी दिया हुआ है, तो सेम पैटर्न यहां फॉलो और आप करें। एक बात बताइए, इसमें आपने आपने जो किया है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पे जो आपने रैंड बिटवीन कौन सा रेंज लिया है, पहले 10 से 90 है और इसमें भी 10 से 90 ही किया है। हाँ अच्छा ठीक ठीक है, ये समझ में आया। रैंड बिटवीन को छोड़िए फिलहाल, वो आपके काम की चीज नहीं है। प्लीज़ देखिए ये आपकी यहाँ पे जो मैंने बताया डिवाइड, ये आपको समझ में आया? हाँ एकदम। तो इस तरह से आप एक रेंज को डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो ये डेटा यहाँ जो है, मैं वापस रैंडमिट में फॉर्मा लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेटा किसी फॉर्मूले से आ रहा है, रैंडमिट फॉर्मूले से आ रहा है, राइट। अब मुझे डिवाइड करना है बट फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सर। तो मैनुअली कैसे करेंगे, इसके अंदर जाएंगे इसको डिवाइड बाई 48, राइट, फिर इसमें जाएंगे डिवाइड बाय 51, ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं ड्रैग नहीं कर सकते, जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ कुछ और है ना, 20 है, यहाँ डिवाइड बाय 20 होना चाहिए ना सर। नहीं ये समझ गया, एक बार एक बात बताइए ऊपर में एक बार इसको। हाँ हाँ तो ये है डेटा, और यहाँ पे ये इसमें जाइए के कॉलम में जाइए, के नहीं ये फॉर्मूला हटा दिया है क्या आपने? हाँ नहीं हाँ जी, मतलब कि मेरे पास जो रिजल्ट, देखिए मुझे मैं सिंपल से बात कर, मेरा मेरा कंसेप्ट समझिए पहले, मेरा कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास एक डेटा है, राइट, फिलहाल रैंड बिटवीन को भूल जाइए सर, रैंड बिटवीन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। नहीं मैं समझ गया, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक बार आप रैंड बिटवीन कीजिएगा, ये इसको 10 to 90,
मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला है ये वाला जो जनवरी टू अगस्त है राइट, इसमें इसमें जो आप कर रहे थे B2 B2I इसमें रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला दिया हुआ है K2R। अब जब आप यहाँ पे ये सेल को मतलब यहाँ पे उसको डिवाइड कर रहे तो फॉर्मूला दोनों पे ही है ये, इसमें मतलब मैं समझा रहा हूँ आप देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये चीज भी समझा रहा हूँ सर। टॉपिक को खत्म होने के बाद अपने क्वेश्चंस को लाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो आप पूछने वाले हैं वो टॉपिक में इंक्लूड होता है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ जो आप पूछना चाह रहे हैं टॉपिक में इंक्लूड है सर, प्लीज पेशेंस रह के देखिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए पहली चीज समझिए, पहले से दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि मैं जहां से कॉपी कर रहा हूं वहां पे मेरा नॉर्मल डेटा है, वहां पे फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल डेटा है। लेकिन जहां हमें डिवाइड करना है वो हमारा फॉर्मूले से है, और हर किसी में अलग अलग फॉर्मूला है, सो वी हैव नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, सो मुझे मैनुअली एक एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस केस में आप जो है जब कॉपी करके राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में जब आप करेंगे डिवाइड तो इस फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करेगा, समझे। ये फॉर्मूले के अंदर देखिए दिख रहा है, ब्रैकेट में लेके 48 से डिवाइड कर दिया, इसको 51 से डिवाइड कर दिया, इसको यहां 47 से डिवाइड कर दिया, इसको देखिए 50 से डिवाइड कर दिया, उसी तरह से यहां हर किसी में अलग अलग किया हुआ है, राइट सर। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि अगर दोनों जगह पे या जहां से मैं कॉपी कर रहे हैं वो भी फॉर्मूला हुआ तो, वो भी फॉर्मूला हुआ तो मैं वही तो बता रहा था आपको कि आपकी क्वेश्चन टॉपिक में इंक्लूडेड है, सो पेशेंस रख के देखिए। तो मैं इसको कॉपी किया, जब मैं इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करूंगा तो यहां पर दो चीजें आएगी, एक तो मैंने यहाँ पे डिवाइड सेलेक्ट कर लिया, अगर यहाँ पे हमने ऑल या फॉर्मूला सेलेक्ट किया तो फॉर्मूला से फॉर्मूला डिवाइड होगा, देखे राइट राइट। लेकिन अगर मैंने पेस्ट करते समय वैल्यू सेलेक्ट कर लिया तो जो तो इसकी जो वैल्यू 6246 है उससे डिवाइड करेगा, सॉरी उससे डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं किया था तो उससे डिवाइड करेगा, वैल्यू वैल्यू। अच्छा पेस्ट स्पेशल में अगर आपने ऑल किया और जहां आपने कॉपी किया है अगर उस पे अगर फॉर्मूला है तो उसकी फॉर्मूला यहां पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, समझे। फॉर्मूला अगर ऑटोमेटिक अप्लाई होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ प्रॉब्लम होगा ना कि अगर आपका रेंज वगैरह चेंज होने वाला होगा तो चेंज हो जाएगा ना सर, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, A1 B1 C1 से A1 चेंज हो सकता है ना सर। कैसे मतलब अगर वो फॉर्मूला रख के एक बार कीजिए सर, एक मिनट अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे कि G1+30 राइट, और यहाँ पे आपका 20 है आपका, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है G1+60 है राइट, ठीक है। तो अगर इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट किया तो क्या होगा, जब ये पेस्ट होगा तो B1 B1 तो ही रहेगा, तो यहाँ पे जो कॉपी हुआ है G1 वो G1 G1 तो ही रहेगा, दिखा सर। यहाँ पे G1 था, G3+30 था, और यहाँ पे हो गया G3 हो गया, B3 हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे जो आगे बढ़ा तो G यहाँ आगे बढ़ा तो G F बना, E बना, G बना, और यहाँ पे आते आते उसने B बना दिया। हाँ अगर ये यहाँ पे फ्रीज है, अगर ये फ्रीज किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि तब अगर आपने इसमें कोई नंबर अगर प्लस कर देता हूं किया हुआ है तो फिर आपको उसमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर मैंने फॉर्मूला या ऑल कर दिया तो फिर इसके ब्रैकेट में सॉरी यहां पे डिवाइड करके ओके किया तो यहां पे G3 फिक्स रहा, मान लिया सर। समझिए अगर G3 को एक बार अनफ्रीज कर दीजिए तो फिर B3 हो जाएगा, नहीं मैं बोल रहा हूँ एक बार कीजिए अनफ्रीज, हाँ अनफ्रीज कर
हाँ ठीक है, अभी एक बार डिवाइड कीजिए उसको, जीते बी थ्री हो जाएगा, तो चेंज होगा, सिंपल सी बात है, तो हमेशा होता है। फिर भी वहां पे दो ही आ रहा है, मतलब 60/30 वो दो ही आ रहा है लेकिन। हाँ तो सर जो फॉर्मूला वो ही आएगा ना सर, हमें क्या रिजल्ट आ रहा है उससे मतलब नहीं है सर, हमारे क्या प्रोसेस हुआ वो देखना है ना सर, रिजल्ट क्या आ रहा है तो छोड़ी उसको। अच्छा आप बोल रहे हैं कि दूसरा सेल ले रहे हैं। मैं बोला दूसरा सेल ले रहा है वो, इंक्रीज हो जा रहा है, आप समझे सर कल्याण जी? नहीं नहीं बाउंसर गया ये मेरा। अच्छा एक एक सजेशन है सर मेरा, ओके हाउ मैं नोट भी स्क्रिबल करता हूँ, आप जब बात करते हैं ना तो नोट स्क्रिबल करता हूँ, तो इसमें से ना हमें सिचुएशन डालना है पहले। हाँ मैं वही सिचुएशन अभी मैं पहले देखिए मेरा, आप जब आपको पहले भी पढ़ाया था, सबसे पहले मेरा काम होता है कंसेप्ट क्लियर करना, देन हमारा काम होता है एग्जांपल, तो मैं अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, एक सिनेरियो है कि आपको कॉपी करना है, कॉपी द रेंज पे स्पेशल और डिवाइड करना है कीपिंग द सेम फॉर्मूला एट द सोर्स डेस्टिनेशन से सोर्स पे। अब जैसे हाँ मतलब जस्ट अ सजेशन, जस्ट अ थॉट, अभी एंड मतलब आप जैसे बोल रहे हैं ना, मैं भी एक्चुअली नोट्स लिखता हूँ, बट जस्ट अ थॉट, ये अगर सर मतलब जो करवा रहे सुजीत जी, अगर अभी हम मतलब नोट्स नहीं लेके इसको पहले देख लेंगे, सैटरडे संडे वी ऑल एनीवेज गेट इट, वी गेट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे में अगर एक बार ये वीडियो तो 15-20 मिनट का होगा एक साथ, मतलब उसको अगर ध्यान से थोड़ा कर लीजिएगा ना देख के एक बार, आई थिंक दैट विल हेल्प। अगर अभी आप नोट भी करेंगे और वो भी देखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जस्ट अ थॉट, मतलब और कुछ नहीं। कल्याण जी आपकी बात भी सुनता हूँ ठीक है, वरना फिर दिमाग से निकल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या है कि मेरे पास दो डेटा है राइट, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 43 है। अब मुझे इस 43 को 28 को 43 से डिवाइड करना है, सिंपल समझ जाएगी राइट तो ये क्या है बी टू, मैंने क्वांटिटी वन बाय डिवाइड बाय थ्री है, क्वांटिटी वन बाय थ्री है, तो इसको थ्री से डिवाइड किया गया है और इसको जो है टू से डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग फॉर्मूलेज है और दो अलग अलग रिजल्ट है। अब मुझे तीसरा जो कैलकुलेशन करना है कि जो इसके रिजल्ट है और इसके रिजल्ट को आपस में डिवाइड करना है, तब जाके मेरा परसेंटेज मुझे मिलेगा। सपोज कोई ऐसी कैलकुलेशन है, तो अगर आपने इस पूरे को कॉपी किया और यहां पे गए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, अब पेस्ट स्पेशल में डिवाइड सिलेक्ट कर लिया, अब क्या है कि दोनों जगह पे फॉर्मूला है और यहां पे मैंने ऑल सिलेक्ट किया हुआ है या फॉर्मूला सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब यहां जो डिवाइड होगा वो वैल्यू टू वैल्यू में 28 डिवाइड बाई 43 नहीं होगा, बी टू डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई एच टू डिवाइड बाई 2, समझे? मतलब इन दोनों का फॉर्मूला आपस में डिवाइड होगा राइट। बट यहां पे प्रॉब्लम आ गया, क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो फ्रीज नहीं था। अब किसी भी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर रहा हूं, एच टू है, अगर मैंने कॉपी करके यहां पेज किया तो एच टू रहेगा, ये क्या हो जाएगा ई टू हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्मूले को अगर आप ऊपर नीचे आगे पीछे कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके जो एड्रेस है वो अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जैसे कि मैंने इसको उठा के K पे डाला तो H की जगह पे J हो जाएगा, हो गया जी समझे? तो यही प्रॉब्लम यहां हो रहा है कि जब हम कॉपी पेस्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब इस चीज का इसे यहां कॉपी किया कि जब कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो पहले अगर मुझे जो पेस्ट कर रहा है उसकी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको वैल्यू कर दूंगा, मतलब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि 43 किस कैलकुलेशन से आया, समझ गए? तो आप डिवाइड करते समय इसका ध्यान रखिएगा कि आप वैल्यू को सिलेक्ट करें, ठीक है? देन डिवाइड देन ओके, तो क्या हुआ कि इसको इसकी जो यहां पर रिजल्ट वन आ रहा है क्योंकि इसने क्या किया कि बी टू बाई डिवाइड बाई थ्री जो पहले से कैलकुलेशन था उसको इसने ब्रैकेट में रखा और डिवाइड बाई
42 कर दिया, क्योंकि आज उसने 43 बट 42.5 है, राउंड में 43 दिख रहा है आपको, 42.5 से डिवाइड कर दिया। ओके समझना है क्या, यहां तक समझना आ गया? तो हमने क्या बोला, जहां से आप कॉपी कर रहे हो, जहां आप पेस्ट कर रहे हो, अगर दोनों जगह पे फॉर्मूला है राइट, तो जहां से आपने कॉपी किया है अगर उसकी फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वैल्यू सिलेक्ट कर लो राइट। तो उसकी फॉर्मूले नहीं, उसकी सिर्फ वैल्यू पेस्ट होकर आएगी और आपका फॉर्मूला थोड़ा भी नहीं हिलेगा और सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मुझे जो है इसकी फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट है, जो एस टू डिवाइड बाई टू है, क्योंकि मैं लिंकअप करना चाहता हूं, कल के डेट तक मैंने 85 को चेंज करके 75 कर दिया, तो मेरा ये कैलकुलेशन चेंज होना चाहिए, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आपको इसको फ्रीज करना होगा। तो मैंने डॉलर साइन लगा दिया एच को, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने इसको रो हाइस को क्या बोलते हैं कॉलम को डॉलर साइन लगा के सबका, आप देखिए हमने फ्रीज कर दिया राइट। फ्री मतलब एब्सोल्यूट कर दिया। ये डॉलर साइन लगाना भी एक कमांड से नहीं कर सकते क्या, हर एक सेल में जाके करना पड़ेगा? नहीं हमने कर सकते, जब हमने मान एस टू डिवाइड बाई टू कर दिया ना, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे एस थ्री एस फोर एस फाइव हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने डॉलर साइन लगाया था कॉलम का आगे लगाया, दिख रहा है आपको सर, एच का आगे लगाया, टू का आगे नहीं लगाया, तो टू के आगे नहीं लगा, तो मतलब क्या हुआ कि जब इसको टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो टू थ्री फोर फाइव ऐसे अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। यहां पर देखिए, यहां मैंने डिलीट कर दिया, तो अगर इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे तो यहां पे एच टू जो हो जाएगा एच थ्री हो जाएगा, हो गया एच थ्री। अगर मैं इसके आगे भी डॉलर का साइन लगा देता तो क्या होता, सब पे एच टू रह जाता, फिर सॉरी सब पे हमारा H2 रह जाता, हो गया H2 सर, हो गया ना सर, दिख रहा है सर, इसलिए डॉलर साइन लगाना कंपल्सरी है। तो यहां आप देख लीजिए कि आपका क्या है, डॉलर साइन जब लगा दिया आपने, देन इसको कॉपी कीजिए और फिर इस पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे डिवाइड और यहां पे ऑल या फॉर्मूला रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां फॉर्मूला डिवाइड बाय फॉर्मूला दिख रहा है सर। अब मैं इस पे 85 को मान लीजिए कि मैं यहां पे 41 कर देता हूं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो 1 दिख रहा है क्योंकि राउंड है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, तो यह सर मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको 95 करता हूं तो 60% आ गया। ओके सर, तो आप समझ में आ गया पेस्ट स्पेशल में हम क्यों सिलेक्ट करते हैं ऑपरेशंस को, और फॉर्मूला रहने पे फॉर्मूला ना रहने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लियर हो गया आपको सर? ऐसी चीज अच्छा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, आपको डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं टॉपिक में। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक डेटा है, अभी यहाँ पे एक और डेटा मैं यहां पर रखता हूं, मेरे पास एक डेटा है, अब डेटा जो है थोड़ा सा लंबा लिस्ट का है, लंबा लिस्ट का है, मान लीजिए सेल्स का डेटा है राइट, ये हमारा सेल्स डेटा है। अब मुझे इस पे इंसेंटिव देना है, जैसे आप बोले थे कहानी प्लॉट करने के लिए, तो कहानी प्लॉट कर रहा हूं मैं कि ये मेरा जो डेटा है ये मेरा इंसेंटिव का डेटा है, सेल्स का डेटा है, मुझे इसके ऊपर इंसेंटिव देना है। लेकिन क्या है कि कुछ ऑर्डर्स रिटर्न भी हुए हैं, जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो हमारा रिटर्न भी हुआ है राइट, तो मुझे अपने क्यूसी टीम को बताना है कि भाई देख लो कि एग्जैक्ट सेल इंसेंटिव देने लाइक एग्जैक्ट फिगर सही है या गलत है। तो जैसे रिपोर्ट बनाने तक तो मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन हो सकता है रिपोर्ट बनाने के बाद भी कुछ क्वांटिटीज रिटर्न हुई है, तो QCC ने चेक किया, बोला कि जो 19 है ना सर, ये 19 नहीं ये 15 होना चाहिए, और जो 61 डाला था आपने 61 नहीं 70 होना चाहिए था, 10 और सेल हो गया है इनका, रिटर्न था और रिटर्न वापस रिटर्न हो गया है, मतलब आगे वापस चला गया और सही था सर, 90 जो है ये 90 नहीं 85 होना चाहिए। तो ऐसे इसने हजारों डेटा में से कुछ चीजें चेंज करके हमें दे दी।
तो अब मेरे क्यूसी टीम का कहना है कि जिसके आगे ब्लाइंड है वो बिल्कुल सही है और जिसके आगे वैल्यू लिखी हुई है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। मतलब क्यूसी टीम को बोलना ये है कि ये सब सही है, 29-87 वगैरह सही है, 19 जो है 15 होना, 19 की जगह पे 15 होना चाहिए और 61 की जगह पे 70 होना चाहिए। अब इसको मुझे करने के लिए क्या करना होगा, मैनुअल एक एक करके चेंज करना होगा यहां से, कि मैं यहां से 19 लिखूं, यहां से सॉरी यहां पर एंट्री लिखना है, यहां पे 19 लिखूं या 71 करूं इस तरह से। क्योंकि अगर मैंने पूरा कॉपी किया, ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसको पूरा कॉपी करता हूं तो क्या होगा, ये ब्लाइंड भी पेस्ट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। पर ब्लाइंड पेस्ट नहीं करना है हमें, जो पेस्ट करना है ना सर, सिर्फ फिल वैल्यू को प्लेस करना है वो सेम सिक्वेंस। तो यहां पे पेस्ट स्पेशल में आपके सामने होता है स्किप ब्लाइंड, क्या होता है स्किप ब्लाइंड। स्किप ब्लाइंड को क्लिक करके जैसे आप ओके करेंगे तो क्या करेगा, सब कुछ को रखेगा और ब्लाइंड को स्किप करेगा, मतलब कि ब्लाइंड को पेस्ट नहीं करेगा, जिसके सामने वैल्यू थी ना सिर्फ उसी को पेस्ट करेगा। तो 15 को पेस्ट किया, 71 को पेस्ट किया, दिख रहा सर, तो उसमें आपने तो वैल्यू किया या ऑल किया फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उससे फर्क पड़ेगा, अगर फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, जैसे 15 जो है किसी फॉर्मूले से है तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा सर। तो इसलिए वैल्यू करके करना ही जरूरी है जी। हाँ वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला लेना है नहीं लेना है, ठीक है। और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो आता होगा आप लोगों या बताना पड़ेगा, आता है पेस्ट एज ए लिंक भी एक अच्छा टॉपिक है लेकिन मोस्ट लोगों को यह आता है। जैसे मान लीजिए कि लिंक करना है कि मैं जो यहां टाइप करूं वो यहां ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो आप लोग क्या करते हैं जनरली इक्वल पेस्ट करके सिलेक्ट करते हैं ना सर, क्या ये नहीं किया है, ठीक है। फिर मैंने इसको लिया और ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, इस जगह का लिंक हो गया। जैसे मैं 20 की जगह पे 30 किया तो एंटर मारते यहां 30 हो गया सर, 90 की जगह पे मैं 102 किया एंटर मारते 102 हो गया। तो क्या ऑपरेशन क्या किया आपने यहां पे, ऑपरेशन कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे जस्ट इक्वल बेस किया और उस पे जहां का लिंक करना है उसको क्लिक कर दिया, मैं यहाँ उसका एड्रेस लिख दिया F1, तो यहाँ F1 की वैल्यू शो हो जाएगी, राइट। फिर आप उसको अपने हिसाब से ड्रैग कर लेंगे ताकि बाकी वैल्यू भी आ जाएगी सिक्वेंसली है तो, ठीक है। अरे सर यह इसका हाँ, यह अच्छा है कि आप, आपको सीक्वेंस नहीं है बिगड़ा हुआ है तो जिसको जिसको लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर लो, जैसे मुझे इंद्र को करना है और यहाँ रवि को नहीं करना है मुझे, तो रवि को सिलेक्शन से बाहर कर दिया, मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट लिंक दिख रहा है आपको सर, पेस्ट लिंक अभी लिंक हो गया है तो मेथड भी अप्लाई हुआ है। देखिए यहां पर सेल एड्रेस से लिंक रख रखा है इसने, कुछ और नहीं रख रखा है, सेल एड्रेस जो इक्वल टू करके आपने किया वही किया है जी, बट एक रवि को स्किप किया जी, जस्ट दैट कि वो पेस्ट लिंक जो है, अच्छा वो पूरा तो हुआ नहीं ना पूजा, नहीं जो सिलेक्टेड है रवि नहीं हुआ ना सर, अच्छा रवि आपने किया नहीं था, हाँ रवि सिलेक्शन में कॉपी नहीं किया था, जो कॉपी करूंगा वही आएगा ना सर, जो कॉपी नहीं होने ही आएगा, अच्छा ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें, नहीं नहीं इसमें कोई डाउट। तो आज हम आपके साथ बातचीत कर दिए किसके बारे में, पेस्ट के बारे में, लेकिन इसका एक और पार्ट है जो कि हम कल करेंगे पिक्चर के बारे में, पेस्ट एज ए पिक्चर्स, पिक्चर्स की क्या क्या रोल है, उसका भी एक अच्छा खासा रोल है जो कल बताऊंगा मैं आपको सर, ठीक है। लेकिन अगेन रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहिएगा थोड़ा बहुत, ओके बाय।